बेबी टॉर्च मैं भी ले लूं क्या? एक इधर सांप भी आ सकते हैं क्या? है? निकलते हैं, पाइथन निकलता है इधर, पाइथन निकल जाता है। तुम भी तो जो बैटमैन बनी हुई हो ना, क्या ही बताऊं। चमगादड़ों को लगेगा उनका मसीहा आ गया। दोस्तों मैं सो के उठ गया हूँ पूरे 1.5 घंटे बाद। संभावना अभी तक सो रही है, वो देख लो। मैं कब से उसको कह रहा हूँ कि फटाफट उठ जा, शाम का टाइम है, यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी लेते हैं, फिर रात हो जाएगी, बैठ नहीं पाएंगे, कीड़े आएंगे और फिर कल से हम बिजी हो जाएंगे अपनी सफारी में। देखो कितना सुंदर माहौल हो रहा है यार, यहाँ कैसे मिस कर सकते हैं चाय कॉफी, आराम से पैर लटका के बैठ के पीने में जो मजा आएगा। बेबी बेबी उठ जाओ बेबी, यहाँ सोने आई हो क्या? अब फिर रात को नींद नहीं आएगी, उठो जल्दी, अभी अंधेरा हो जाएगा, फिर बाहर नहीं बैठ पाएंगे। पानी ऑन करो। कहाँ से? गर्म पानी। पानी है उसके अंदर? वारी जिंदगी वाह, मजा ही आ गया। आ गई? मेरे लिए क्या आ रहे हो? आ जाओ बेबी आ जाओ, मेरे लिए चाय भी ऑर्डर कर दो। हाँ। फोन करना पड़ेगा ना, लेकिन फोन करना किस पे ये तो पता नहीं। ओहो तो बड़ी मुश्किलों से बैठी हो यार, इसमें भी हाथ रखती है तो ये बहुत दर्द करता है। विटामिन डी के इंजेक्शन लग रहे हैं ना, ठीक हो जाएगा। तीसरा लग गया। तीसरा कहाँ लगा? तीसरा था। रिसेप्शन पे जा रहे हैं, कॉल ले लेंगे, एक ही काफी है। नहीं एक ही काफी है। तो उन्होंने बोला जब भी आप रात में निकलें तो बिल्कुल भी बिना टॉर्च के ना निकलें, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है बिना टॉर्च के। बाहर कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे रास्ते में जब रात होगी तो उजाला कैसे होगा, तो ये देख लो कितने सारे लालटेन छोटे छोटे, मतलब कहने को लालटेन है, तो अंदर इनकी इलेक्ट्रिसिटी है। बेबी ने टॉर्च ले लिया है। और एक और आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पर किसी भी दरवाजे में आपके रूम में लॉक नहीं है, आप अपना दरवाजा खुला छोड़ के जाते हैं। अभी तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, कोई भी सामान गायब हुआ ना तो। और ये यहाँ की थीम है, ये देखिए आप, जंगल के बीचों बीच हम चल रहे हैं, लाइन से लाइटें जल रही है। बेबी ये एक्चुअल टॉर्च है क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, लेकिन कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है दिवाली है जंगल में। दरवाजा लॉक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। अभी तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो बातें कर रहे थे। अरे पूरा खाली है, कोई कहीं से जंगल कूद के आगे आपके कमरे में घुस जाए तो डर तो देखो लगता है, डरावनी बात तो है ये। लेकिन हमारे बैग में उसे क्या ही मिलेगा, चिवड़ा और नाचनी चिप्स के अलावा भर भर के। जी हम लोग टॉर्च की मदद से अपने रूम तक पहुंचे हैं, चाय नाश्ता करके अभी अंदर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, एक एक जानवर की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। एक तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, लगा गेंडा बोल रहा है, बाद में पता चला वो मेंढक है। थैंक यू। है बाहर की बंद कर दूँ? बंद करना है, बाहर की लाइट बंद करें, जल्दी बंद करोगे। कीड़े आ भी गए, सर पे ही आ गए। हाँ मेरे सर पे भी थे, ये कैसे होगा बंद? क्या कर रही बीबी, उसके लिए दरवाजा खोला है तुमने? तो जी रूम में आए हैं हम, रूम में आते ही सबसे पहले हमने जो ये वाला हमारा बड़ा वाला दरवाजा है शीशे का, ये बंद कर दिया है, क्योंकि हमें पूरी एकदम वार्निंग टाइप मिली है कि भाई आपके रूम में आप लोग स्नैक्स लेके आए हो और वो स्नैक्स आप बिल्कुल भी खुला ना रखें, तुरंत के तुरंत बैग में पैक करके बैग बंद कर दें, नहीं तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इसकी स्मेल से आ सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े मेंढक कीड़े सांप कुछ भी निकल के आ सकते हैं। मैंने अपना सामान यहाँ पे निकाला नहीं था अभी तक, टॉयलेटरीज वगैरह, लेकिन अब मैं निकाल रही हूँ। अब निकाल रही हो? बेबी हम सोएंगे कैसे, बहुत ज्यादा सो ली है ऑलरेडी। मैं नहीं सोई हूँ। ये टाइप, ये साइड का मिरर मेरा है, उधर रखो। पक्का एक साइड अपनी बना लो। वही बना के बता रहा हूँ। तो ये सब तुम्हें नहीं मिलेगा? ये मुझे मिलेगा ही नहीं अब। नहीं आप देखो तो मैं क्या करती हूँ, मतलब सामान भी नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने मिरर इधर का ले लिया। सामान मैं ऐसे सजाऊंगी यहाँ पे, साजो सामान देखो। और मेरे डीओ वगैरह सब कहाँ है? मेरे डीओ वगैरह सब, मुझे क्या पता तुम्हारे डीओ कहाँ है। अब तो तुमको मैं फेस वॉश भी नहीं दूंगा। अरे मेरा कहाँ है भाई टॉयलेटरी का? अरे मैंने सब सामान रख के अंदर रख दिया था, वो डाला ही नहीं। डाला ही नहीं है, इधर होगा। सच में नहीं डाला बेबी, इधर होगा। डरते क्यों हो तुम एकदम से? थैंक यू बेबी, मेरा भी लगा दो इधर मेरी तरफ पे। ये मेरे में किसने डाला है शैम्पू और वो श्रृंगार रस पूरा? है बेबी मेरा वो नहीं डाला क्या? मेरा टूथब्रश कहाँ है? मैंने नहीं डाला, तुम्हें करना था ना, तुमने किया ही नहीं था तब तक ब्रश, मेरे को लगा तुम ही डालोगी करके। कोई बात नहीं, यहाँ होगा ना टूथब्रश तो। अरे आप 5 सितारा में हैं जी, 5 सितारा का मतलब जानती हैं, मारेंगे एक सीढ़ी 4 आदमी खड़ा हो जाएगा यहीं, जो मांगेंगे वो यहीं पैदा कर देगा। पैसा भरे हरे इतना अहम। ओ परफ्यूम की बॉटल्स भी यही है। ये क्या है? कुकीज में चीजें हैं भाई। ब्रशेस अरे बाप रे, हम तो जा रहे हैं ना एक दिन बाद। एक तो तुमने पूरा अपना कबीला सजा लिया यहाँ पे, लग रहा है बाकी लोग भी आएंगे तुम्हारे कबीले के। अरे रे 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 बेबी हमने खरीदा नहीं है। तुम्हारा क्या है? हम यहाँ 2 दिन के लिए गेस्ट आए हैं। सामान तो लगता ही है ना। भैया पहले स्नैक्स वगैरह बंद कर दो, पता चला 4 जानवर घुसा है यहीं, वो बेड पे सो रहे हैं, हम बेड के नीचे। तो जी हम लोग निकल रहे हैं अब डिनर करने के लिए। बेबी टॉर्च मैं भी ले लूं क्या? एक नहीं, बस बंद कर दो। तुम्हें तो देख के डर गया था अभी। अरे बेबी रुको। है हाँ देखना बीच में मेंढक वेंढक भी आ सकते हैं, इधर सांप भी आ सकते हैं क्या? निकलते हैं। और बड़े बड़े मेंढक भी बीच में मिल सकते हैं। मेरे को मेंढक का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांप अगर दिख जाए तो बहुत मजा आ जाए। मजा आ जाए? अरे सांप तो सांप है ना, अपना जा रहा होगा, ऐसे बीच में से ही निकल जाते हैं सांप। आप लोगों ने देखे हैं सांप? यहाँ पे पाइथन निकलता है, इधर पाइथन निकल जाता है। तुम भी तो जो बैटमैन बनी हुई हो ना, क्या ही बताऊँ। चमगादड़ों को लगेगा उनका मसीहा आ गया। पता चला आगे बो डाउन करने लगे, घुटनों पे आगे बैठ जाएं सारे चमगादड़, हुलालू हुलालू। तो जी हम लोग खाना खा के आ गए हैं, बड़ा ही कमाल का खाना था। बेबी ने नहीं खाया, उसने सिर्फ दही खाई है, उसको ज्यादा भूख लगी नहीं थी। मैंने दबा के खाया, पूरा पैसा वसूल किया है। रूम में आ गए भाई, सब सारे दरवाजे वरवाजे बंद कर दिए। आई डोंट नो आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि नहीं। बाहर जो है ऐसा गुप अंधेरा है कि भाई रूह तक कांप जाए आदमी। बारिश की भी आवाज आ रही है, ऊपर टेंट है तो जब बारिश गिरती है तो आवाज आती है। मुझे आवाज इतनी पसंद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ से थोड़ा सा क्या खोल दूं? मुझे लगा कह रही हो ये दरवाजा खोल दो थोड़ा सा। शेर ही आएगा डायरेक्ट रूम में, फिर सामने ही पानी है। रात में आ गया पानी पीने, तो रात को उसको प्यास लग गई तो शेर को बहुत डर लग रहा है यार। मुझे ना यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग देखनी थी, लेकिन हम तो उससे पहले निकल जाएंगे। तो आके भी देखोगे, आके मॉर्निंग की होगी। मौसम इतना अच्छा है यहाँ पे, सबसे बेस्ट पार्ट ये कि मौसम इतना बढ़िया है कि आपको देखनी जरूरत नहीं की अरे अब तो धूप निकल आई। धूप निकल नहीं रही है तो बहुत मुश्किल है कि टाइगर हमें कल दिखेगा, क्योंकि बरसात हो रही है। हमें जो जितने भी लोग मिले हैं जो अभी होके आए हैं सफारी पे, उन लोगों ने बताया कि बरसात की वजह से टाइगर नहीं दिखा। तो हमारे नसीब में आता है कि नहीं भगवान जाने, ये तो अब हमारा नसीब जाने और आप जानो। अगर आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो हमारा टाइगर हमें मिलेगा। हम टाइगर से मिलने आए हैं, वो भी शायद हमसे मिलना चाहता हो। मिलते हैं कल। Meanwhile, कल मिलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आज संभावना ने क्या कांड किया है। यहाँ पे आते ही इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई तो प्रॉपर्टी देख के और इतना अच्छा देख के। इसने बोला आई वांट टू मीट समवन जो मुझे बताए कि प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लोर करना है यहाँ पर, और क्या क्या एक्टिविटीज है और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और क्या क्या करने की संभावना है। इसने यहाँ के मेन आदमी को कहाँ से बुलवाया, वो बेचारा कहीं काम कर रहा था। बोला उसके साथ बहुत देर तक बात करी, उसको बोला अच्छा और क्या क्या है। उन्होंने बोला सफारी है मैम, ये है, ये बंजार रिवर है, इसके साथ आप वॉक कर सकती है और क्या है। और मैम हम एक नेचर वॉक भी करते हैं जिसको वॉकिंग सफारी कहते हैं, हम वहां भी आपको 5 किलोमीटर तक जंगल के अंदर लेके जा सकते हैं, आप बर्ड देखोगे, देखोगे। फिर बोला और क्या है, फिर उन्होंने 1-2 चीजें और बताई। फिर बोला नहीं नहीं आप मुझे और अच्छे से बताइए और क्या क्या है। उसने सारा बताया, उसके बाद बोला मैम आप बताइए इसमें से क्या करना है। तो मैडम ने बोला अभी तो मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। सो गई आके। बेबी तुमने क्यों उसका इतना टाइम वेस्ट किया? पता भी करना था ना कि यहाँ है क्या क्या। बेबी तुम्हें पहले से पता था कि तुम सोने जा रही हो, ये क्या कर रही हो, ये कहाँ से अंदर से कीड़े कहाँ से आते हैं। तो जी इसी कहानी के साथ हम लोग अब आपको मिलेंगे कल। टिल देन गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। तो सारी एक्टिविटीज का क्या हुआ, कर लेंगे ना। कहती अभी तो यू नो आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। कहता तो मैडम जी जो 100 चीजों की लिस्ट बुलवाई मेरे से उसका क्या। तुम नहीं बतानी चाहिए थी ना आपको, आपको सामने वाले का देखना, इतना घंटा ट्रैवल करके आया है। तुमने आदमी को ढूंढ ढूंढ के लिस्ट पूछी है, उसके बाद कह दिया आई एम टायर्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे सुबह के 4:30, हमारा वेकअप कॉल हो गया है और मैं दोबारा सो गया था, फिर से उठाऊँ, लेट हो गए हम लोग। संभावना को उठा रहा हूँ, उठ नहीं रही है। बेबी उठो, जल्दी उठ जाओ। आप लोगों से भी फटाफट तैयार होकर मिलते हैं, नहीं तो हमारी गाड़ी आ जाएगी। जी मेरी बेबी उठ गई है, बड़ी मुश्किल से धक्के मार मार के, और घर से इतने किलो कपड़े आए हैं, 36 तरीके कपड़े आए हैं 1-2 दिन के लिए। और पहना क्या गया है, मेरी टी शर्ट, कि अपनी कोई टी शर्ट दे दो लंबी सी। बताओ बेबी क्यों करती है ऐसे भाई, टी शर्ट पहन ली तो क्या हो गया। तो मैं तो गिन के 2 ही टी शर्ट लाया था, उसमें से एक तुमने पहन ली, अब मैं क्या पहनूंगा कल। मैं तो नहीं लाई, मैं तुमने बोला था मास्क ले लो मेरा। मैं कहाँ से ले लूँ मास्क, अंदर है लेके आओ। बेड के पीछे नए मास्क रखे हैं। कहाँ पे? बेड के पीछे जो कबर्ड है उसमें नए मास्क। अरे वो लोग कहाँ गए जो रात भर पहरा देते थे, लाइटें भी चली गई गायब, लालटेन जो लगे थे। अरे लालटेन तो क्या, हम तो सही जगह रुके हैं ना, टॉर्च भी नहीं लाए हम तो। ध्यान से देख के चलो, आगे सांप भी है। मेरे मुँह पे ना बेबी मकड़ी के जाले लग रहे हैं बड़े बड़े मुँह पे। रात को मकड़ी जाला बना गई तुम्हारी। नहीं नहीं अभी चलते हुए। बेबी इन्हीं झाड़ियों में अगर शेर छुपा हो तो क्या करेंगे यार। हैं? वो छुपेगा थोड़ी, फिर तो आ जाएगा। बेबी तुम पीछे से आवाज देती रहो, कहीं पता चला गायब हो जाओ पीछे से, मुझे पता भी ना चले। हाँ अभी जाके सबसे पहले चाय पी लेंगे और कुछ खा लेंगे। खा भी लेंगे थोड़ा हल्का फुल्का, इधर और इधर क्या कह रही हो। हम ओवर ड्रेस तो नहीं है? तुम तो हो। मसाला टी मैम मेरे को तो सेपरेट चाहिए, मिल्क सेपरेट, ब्लैक मिल्क और मिल्क सेपरेट। और हमें एकदम से याद आया कि जो रेनकोट्स हम लोग लेके आए थे वो रूम में ही रह गए और घमासान बारिश होने की संभावना है। मैं फटाफट जा रहा हूँ रेनकोट्स लेने, रेनकोट्स लेके आऊँगा फिर हम लोग निकलेंगे। हमारी गाड़ी भी शायद आ गई है, आई थिंक ये है। अकेले रूम में जाने में भी इतना डर लग रहा है ना, पूछो मत। दोनों तरफ पूरा जंगल है, कौन सी चीज कहाँ से आ जाए भगवान जाने। जी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, गाड़ी आ गई है हमारी। और अविनाश ऐसे पूरा गार्बेज लेके जा रहा है, तो थैली भी वैसी ली है। थैली में इसने रेनकोट रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, कैमराज रखे हुए हैं ताकि भीग ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो इसलिए थैली रखी हुई है। लेकिन वो काम आएगी अगर बारिश हो गई वहाँ पे। तो अभी तक तो ऐसी कोई ठंड भी नहीं है और ना ही बारिश के कुछ आसार लग रहे हैं, लेकिन जंगल में जाके सब बदल जाता है। टी शर्ट दे मेरी, मैं नहीं दूंगी। टी शर्ट दे, मैं नहीं दूंगी। अब मैं कल से क्या फ्रॉक पहन के घूमू तुम्हारी जो लाई हो? चिंचा की ले लो फ्रॉक। इतने टाइम के बाद मेरी मनोकामना पूरी हुई है। मजा भी हुई नहीं है लेकिन सफारी के लिए जा रहे हैं, ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब हम सफारी के लिए निकलते हैं। और मैं तो रेडी सफारी के लिए हूँ। क्लीशे है, मतलब जंगल जा रहे हैं तो जंगल के कपड़े पहनेंगे। अरे कपड़े और कुछ ये नहीं ना, फिट नहीं आ रहे थे ना, यही ले लिया। यही थोड़ा सा लूज है, मैंने कहा लोगों को तो वो भी टाइट ही दिखेगा लेकिन मेरे लिए लूज है थोड़ा। ओ बड़े बड़े पेड़ जंगल वाले, बोर 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 जाओ भाई, बोर बेबी। अरे हफ्ते में हमें पूरा झुंड दिखा है। इनके दांत भी हैं क्या? अरे ये बहुत खतरनाक होते हैं भाई। कहाँ गए दांत इनके, दिख नहीं रहे? छोटे बच्चे हैं ना, यंग है पूरा, उसके दांत है, वो देखो उसके दांत है बेबी। ये इतने खतरनाक होते हैं, है ना भैया? ये तो मतलब शेर को भी वो दे दे। क्या दे दे? मतलब वो खाना नहीं, फाइट कर देते पूरा। हाँ पूरा तगड़ा वाला फाइट देते, वाइल्ड बोर। चलिए भैया, चलो भाई चलते ही। देखो होटल के अंदर ही हैं अभी तो हम। सबसे पहले दिखा भी क्या? वाइल्ड बोर। दे आर वेरी डेंजरस। वो देखो देख रहा, घूर रहा है। ये देखो अभी दांतलेस है, दांत अंदर ही अंदर है उसके। यार क्या बड़े बड़े पेड़ वाला जंगल है, मजा आ गया यार देख के। वाह जी वाह, ये तो वही है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा थोड़ी है लेकिन जो भी है, ऐसी कविता पढ़ी थी बचपन में। है सतपुड़ा के अंदर ही आता है ना। हाँ बचपन में जब ये कविता पढ़ी थी ना, बड़ा मन करता था सतपुड़ा के जंगल जाने का। ठंड लग गई, ठंड लग भी गई। अरे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मैं ही होंगी टोपी पहनी हुई? एक वाइल्ड बोर हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है, ये भी पूरी टक्कर दे देता है शेर को। अरे भगवान, इतना चलने के बाद अभी हम लोग अपने होटल से बाहर निकले हुए भी। हाँ 2 किलोमीटर और है और हमें पहले ही वाइल्ड बोर दिख गए, क्योंकि ये में भी जंगल का ही पार्ट है। वो देखो पॉ फट रही है। पॉ फट रही है क्या होता है? पॉ फट रही है मतलब जो सूरज निकल रहा होता है ना बादल फाड़ के, तो हाँ। पॉ फट रही है तो, लेकिन निकल नहीं पाएगा क्यों? बादल का घेराव ज्यादा है। चलो चलो बच्चों चलो। तो बहुत बोले हैं, नहीं तो जानवर जंगल के खा जाएंगे। बहुत बोले हैं बेबी, पता नहीं दुनियादारी का। इनको प्यार चाहिए, डॉग सिर्फ इसलिए होते हैं, वाइल्ड डॉग होते हैं जो प्यार से खाते हैं चलते हुए आदमी। तो जी हम लोग आ गए हैं, गाड़ियाँ जो है लाइन में लग चुकी हैं, हमारा नंबर शायद आखिरी है।